शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर सनी देओल ने किया बड़ा दावा। सलमान खान शाहरुख खान को लेकर कह दी ये बात। आखिर कॉफी विद करण में मचा क्या नया घमासान। कॉफी विद करण सीजन 8 शुरू हो चुका है और उन एपिसोड से कई ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिन्हें लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अभी हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड में सनी देओल और बॉबी देओल एक साथ नजर आए। 2005 में पहले सीजन के बाद शो में सनी की यह दूसरी उपस्थिति थी और कदर टू अभिनेता जितना पॉसिबल हो सके उतना ईमानदार होने से नहीं कतराते हैं ऐसा देखा गया है। चलिए आपको बता देते हैं कि सनी देओल ने सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर क्या दावा किया है। दरअसल कॉफी विद करण शो के रैपिड फायर सेगमेंट के दौरान करण ने सनी से शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार के बारे में कुछ सवाल पूछे और सनी के जवाब ने सभी को चौंका दिया। करण ने सनी से शाहरुख खान की एक अच्छी और एक बुरी खूबी बताने को कहा। अच्छी खूबी के बारे में बात करते हुए सनी ने कहा कि शाहरुख मेहनती हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें शाहरुख खान के बारे में क्या पसंद नहीं है तो सनी ने कहा, मुझे उनके बारे में जो पसंद नहीं है वो ये कि शाहरुख खान का अभिनेताओं को यानी कि एक्टर्स को एक वस्तु बनाना यानी कि एक कॉमोडिटी बनाना। अब सनी देओल की ये बात को सुन करण जौहर और तमाम फैंस शॉक रह गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सलमान खान के बारे में सनी देओल ने क्या कहा। करण ने सनी से सलमान के बारे में एक अच्छा गुण बताने के लिए कहा और गदर टू अभिनेता ने उन्हें एक अच्छा इंसान कहा। वहीं सलमान के बुरे गुण के बारे में सोचते हुए सनी ने कहा, मुझे लगता है कि वो हर किसी को बॉडी बिल्डर बना रहे हैं। उसके बाद उनसे अक्षय कुमार के बारे में पूछा जाता है। अक्षय के लिए सनी ने जो अपनी टिप्पणी दी कि उनका एक अच्छा गुण क्या है तो वो ये कि जो अक्षय कुमार है वो पंचुअल है। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अक्षय कुमार के बारे में एक बुरा गुण बताइए तो सनी ने उल्लेख किया कि अक्षय बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं। अब सनी देओल द्वारा सलमान खान और शाहरुख खान को लेकर किए गए दावे फैंस को हैरान कर दे रहे हैं और साथ ही साथ करण जौहर भी हैरान रह गए थे। लेकिन अगर बात की जाए शाहरुख खान और सनी देओल के रिश्ते के बारे में तो वो काफी चर्चा का विषय रहा है। शाहरुख खान और सनी देओल के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो इसकी शुरुआत यश चोपड़ा की 1993 की फिल्म डर में सह अभिनय करने के बाद शाहरुख खान और सनी देओल 16 साल तक एक दूसरे से बात किए बिना रहे। यानी कि 16 साल तक सनी देओल और शाहरुख खान ने आपस में बात नहीं की थी। हालांकि सनी की हालिया ब्लॉकबस्टर गदर 2 की रिलीज ने दोनों फिल्मी सितारों को एक साथ ला दिया और वो भी मीडिया के सामने। फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि जब से कॉफी विद करण शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ खुलासे सेलिब्रिटीज की तरफ से हो रहे हैं। जैसे पिछले एपिसोड में दीपिका ने किए थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिसके बाद दीपिका को काफी ट्रोल भी किया गया था और लोगों ने उनके रिलेशनशिप को सिचुएशनशिप का नाम दे दिया था। फिलहाल सनी देओल की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने शाहरुख खान द्वारा एक्टर्स को कॉमोडिटी बनाने और सलमान खान द्वारा सभी को बॉडी बिल्डर बनाने पर अपनी बात रखी है। सनी देओल के स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहें।